भाजपा विधायक पारुल साहू ने गुरुवार को कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी से प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष और पूर्व विधायक गोविंद राजपूत को सजा देने की मांग की है। आज उन्होंने प्रदेश भाजपा कार्यालय में पत्रकार वार्ता कर आरोप लगाया कि गोविंद राजपूत ने जिस सड़क के खराब होने की बात की है वह सड़क गोविंद राजपूत के रिश्तेदारों की कंपनी ने बनाई है। साहू ने कहा कि राजपूत को हार बर्दाश्त नहीं है, इसलिए वे अभद्र टिप्पणी कर रहे हैं। उन्हें सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने कहा कि महिला पर टिप्पणी करने वाले को कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष को सजा देनी चाहिए। वहीं पारुल ने खुद को दारू वाली कहने पर अब कांग्रेस की सीनियर लीडर सोनिया गांधी की ही बायोग्राफी कांग्रेस को दिखाई है और कहा है कि सोनिया गांधी के बीते सालों के बारे में क्यों बात नहीं करते कांग्रेसी। इसके लिए पारुल ने सोनिया गांधी से जुड़ी जानकारियां भी जारी की है। सम्मानजनक पद में होने के बाद भी अगर सार्वजनिक जगह पे एक बेटी को इस तरह से अपमानित किया जाता है, उस व्यक्ति के लिए बड़ी बात हो जाती है जब वो इसको परंपरा पे डाल देता है कि ये तो परंपरा है। आई एम वेरी शॉक्ड कि आज उस चीज को उन्होंने परंपरा पे डाल दिया। तो अगर ये परंपरा है तो क्या ये कल्पना चावला के लिए भी यही परंपरा का इस्तेमाल हुआ होता अगर वो राजनीति में आती, और क्या हमारी सोनिया गांधी जी के लिए भी क्या यही परंपरा का इस्तेमाल करते अगर बायोग्राफी आप पढ़ लें। मैं ये सवाल पूछना चाहती थी उनसे, इसलिए मैं गई क्योंकि जिस पार्टी में राष्ट्रीय अध्यक्ष महिला रही है और इतने सालों तक उन्होंने लीड किया है, ऐसी पार्टी में मध्य प्रदेश में पोस्ट होल्डर जो उपाध्यक्ष रहे हैं, इस तरह की भाषा का उपयोग करना क्या उचित है, ये मैं पूछना चाहती थी। वहीं बीजेपी महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष लता इलकर ने भी बयान दिया है कि जिस सड़क वाले मामले के दौरान गोविंद सिंह राजपूत ने भाजपा नेत्री पारुल साहू पर अपमानजनक टिप्पणी की है, उस रोड का टेंडर गोविंद सिंह राजपूत के परिवार के पास ही है। ऐसी टिप्पणी गोविंद सिंह ने अपनी गलती छुपाने के लिए की है। उस रोड के लिए था, मैं चाहूंगी कि उसकी भी आप लोग छानबीन करें। यह जो रोड थी, यह रोड आखिरी बार जो बनी उसे किस कंपनी ने बनाया, इसकी जाँच पड़ताल हो, और उसका मेंटेनेंस का कार्य भी किसके पास था, इसकी भी जांच पड़ताल हो, और उसकी गारंटी का पीरियड जो 16 में खत्म हुआ। मैं आपको बताना चाहूंगी कि जो कंपनी थी उस कंपनी का नाम था ज्ञानोदय, और यह ज्ञानोदय कंपनी सागर की ही है, और दुर्भाग्य से ये गोविंद सिंह राजपूत के पारिवारिक कंपनी है जो शायद उनके भाई भतीजों द्वारा चलाई जाती है। तो अपनी ही बनाई रोड के लिए जब इसका पीरियड समाप्त हुआ है 16 में, तो हमारी माननीय पारुल जी ने इसका, चूंकि कार्यकाल समाप्त हो चुका था, इसके लिए नई रोड बनाने के लिए अपना प्रस्ताव रखा, और हमारे हम आपको बताना चाहेंगे कि तुरंत ही उस रोड के लिए 66 करोड़ रुपए मुख्यमंत्री जी ने स्वीकृत किए, उस रोड का भूमि पूजन हुआ और उस रोड पर कार्य प्रारंभ हुआ। जब कार्य प्रारंभ हो गया तो राजनीतिक रोटी सेकने के उद्देश्य से वहां पर अपना मजमा जमा करके गोविंद सिंह राजपूत जी ने एक सभा करी, और कार्य न होने का बहाना उस समय वो कर रहे हैं जबकि वहां पर भूमि पूजन हो चुका है, वहां पर काम प्रारंभ हो रहा है, और उस समय उन्होंने इन अपशब्दों का इस्तेमाल किया। भोपाल से EMS TV के लिए कैमरामैन आकाश बैरागी के साथ आकाश सोनी की रिपोर्ट।